हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम, जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हो आप सभी? अगर आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट क्लास प्रोग्राम के ऊपर से, एनएचएम प्रोग्राम के ऊपर से बहुत सारी चीज़ें अपन आज यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है अपना। तो दिल खोल के आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मेवाड़ यूनिवर्सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं? एनएचएम प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। एनएचएम के ऊपर से सारे के सारे एमसीक्यू अपन डिस्कस करने वाले हैं। एनबीएचएस सी, एनबीएचएस सी क्या होता है, पीसीपीएनडीटी क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। एनआरएचएम क्या होता है, एनएचएम क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन वन बाई वन करके लर्न करने वाले हैं। तो सारे प्रोग्राम एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर आपको मिलने वाले हैं इस एक ही क्लास में, ठीक है? और जो कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी। तो रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, होके ना यूं मायूस होकर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है? तो इसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम आज की इस क्लास को कैरी ऑन करते हैं। तो पहला यहाँ पे टॉपिक है अपना एनएचएम। क्या है पहला टॉपिक? एनएचएम। तो एनएचएम के ऊपर से अपन सारे के सारे यहाँ पे सवाल क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? एनएचएम अपना टॉपिक होगा आज का हमारा, एनएचएम, ठीक है? तो एनएचएम के ऊपर से ही अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ही यहाँ पर प्रोग्राम मैं आपके सभी के सामने लाके रखता हूँ जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ठीक है? तो नहीं सुना होगा वही चीजें लाके अपन रखते हैं तो अच्छी बात होती है, ठीक है? तो पहला है एनपीएचसी, ठीक है? एनपीएचसी मैं प्रोग्राम पहला यहाँ पर डाल रहा हूँ, एनपीएचसी, एनपीएचसी ये कब आया था और ये होता है क्या है, ठीक है? एनपीएचसी क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये किसके अंडर में आया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है? फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। और ये कब लॉन्च हुआ था? 2010 की बात है। ये कब लॉन्च हुआ था? 2010 की बात है। अब इसको याद रखने का तरीका मैं बता दूं आपको। पीसी सॉरी, यहाँ पे एक प्रोग्राम और आया था इसी के साथ में आया था, ठीक है? जो कि आप पढ़ते हो एनसी एनपीसीडीसीएस, एनपीसीडीसीएस, ठीक है? ये था एनपीसीडीसीएस, ठीक है? ये प्रोग्राम आप पढ़ते हो और इसके अंदर होता क्या है, देखो, नेशनल प्रोग्राम, ठीक है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल डायबिटीज कैंसर, कैंसर को कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है उनको कंट्रोल करने के लिए एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम आया था। और ये भी कब आया था? 2010 में आया था। और ये भी किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आया था, ठीक है? ये प्रोग्राम, ये दोनों ही प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? तो पहले की इसका इसका फुल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, पहला वाला प्रोग्राम का, ठीक है? तो पहला वाला प्रोग्राम एनपीएचसी, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर, हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, ठीक है? कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है यहाँ पे, एक छोटी सी गड़बड़ करता है। क्या गड़बड़ करता है? ये एल्डरली को क्या लिख देता है? गेरियाट्रिक लिख देता है, ठीक है? इस गेरियाट्रिक को भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है? गेरियाट्रिक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, गेरियाट्रिक, ठीक है? इस चीज को भी आपको याद रखना है। फिर आता है एनपीसीडीसीएस, ठीक है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कैंसर डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर और स्ट्रोक, ठीक है? ये चीजें सारी याद रखनी है। पहला आता है इसके अंदर कैंसर, ठीक है? क्या क्या चीजें आती है वो बता रहा हूँ। कैंसर आता है इसके अंदर, कैंसर के बाद में डायबिटीज आता है, डायबिटीज आता है, डायबिटीज के बाद में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, डिसऑर्डर है, वो सारे आते हैं, ठीक है? इसके बाद में आता है इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बाद में स्ट्रोक, ठीक है? ये चीजें इसके अंदर आती है और ये आपको पढ़नी है, ठीक है? कैंसर के अंदर तीन चीजें आती है, कैंसर के अंदर आपको पढ़ लेना है, कैंसर के अंदर, क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम में पूछा गया था एनएचएम के एग्जाम में कि कैंसर के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो कैंसर के अंदर एक तो आता है ब्रेस्ट कैंसर, एक आता है सर्विक्स कैंसर, ठीक है? सर्विक्स सी ए लिख रहा हूँ, ठीक है? और ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, और तीसरा कैंसर आता है इसके अंदर ओरल कैंसर, ठीक है? तो तीसरा कौन सा आता है? ओरल कैंसर, ठीक है? ओरल सी ए, ठीक
ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं ओरल कैंसर के ऊपर से। तो ये तीन कैंसर इसके अंदर आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आया था 2010 में और इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में ये प्रोग्राम आया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एल्डरली और गेरियाट्रिक नर्सिंग के लिए ये केयर दी जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, मैं थोड़ा हो जाता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा आपको क्योंकि क्लास बहुत छोटी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम जो आ रहा है अपना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट प्रोग्राम आप देखिए PCPNDT। तो मैं शॉर्टली आपको जो समझाने का तरीका है उसी हिसाब से समझाऊंगा, मैं लिखूंगा पहले PNDT। ठीक है, PNDT, अब ये कब आया था और PCPNDT कब आया था इसलिए आपको याद हो जाएगा और अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं और उसी तरीके से आपको चलना है। ठीक है, तो ये आया था 1994 में आया था, कौन आया था, PNDT। ठीक है, PNDT की फुल फॉर्म क्या होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जाती है। प्री कंसेप्शनल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्री कंसेप्शनल बोलना चाहे सिविल, सॉरी यहां पे प्री नेटल बोल देना। ठीक है, प्री नेटल है, प्री कंसेप्शनल आगे आ जाएगा। ठीक है, प्री नेटल है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ये आया था और ये अपडेट हुआ था, ये मतलब 1994 में तो आ गया था। ठीक है, 1994 में आने के बाद में इसको क्या किया, इन्होंने रिवाइज किया और ठीक है, और रिवाइज करने के बाद में क्या किया इनको फोर्स में, पहले फोर्स में कब आया, आया कब था 1994 में और फोर्स में कब आया था ये फोर्स। ठीक है, फोर्स में आया था 1996 में आया था। ठीक है, और यही वापिस क्या हुआ, रिवाइज हुआ और रिवाइज होके PCPNDT बन गया। ठीक है, इसका नाम चेंज किया PCPNDT। ठीक है, ये पूरा नाम बन गया इसका और इसका नाम बन गया, ये नाम क्या हो गया पूरा का पूरा नाम, अगर मैं बात करूं ये आया था 2003 में, ये कब आया था 2003 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इसके अंदर जो आएगा वो फुल फॉर्म आएगा प्री कंसेप्शनल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका क्या है, नाम है। ठीक है, अब ये इसके अंदर मेनली इंपॉर्टेंट चीजें क्या आती है और किसकी केयर इसके अंदर दी जाती है, किसको दी जाती है, महिला को दी जाती है, पुरुष को दी जाती है, इसका टारगेट पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, तो इसकी टारगेट पॉपुलेशन की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो वो किसको दी जाती है, एक चीज इसके अंदर जरूर लिख लेना आप NPCDCS। ठीक है, NPCDCS और इसके अंदर जरूर लिख लेना NPHCE के अंदर, NPHCE तो जो गेरियाट्रिक केयर है वो दी जाती है आपके 60 साल से ऊपर वाले पर्सन को, 60 साल से ऊपर वाले पर्सन को, और ये जो NPCDCS जो है वो 30 साल से बड़े पर्सन को दी जाती है, 30 साल से जो ज्यादा हुए हो गए हैं उनको ये केयर दी जाती है, ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, PCPNDT, अब PCPNDT तो आपको सभी को पता ही है, तो इसका जो मोटो था, ठीक है, इसका जो मोटो था वो था टू प्रिवेंट सेक्स सिलेक्शन। ठीक है, क्या था, टू प्रिवेंट सेक्स सिलेक्शन, मोटो क्या था इसका, मतलब उद्देश्य। ठीक है, मोटो में लिखता हूं मैं, मोटो का मतलब होता है उद्देश्य, इसका था टू प्रिवेंट सेक्स सिलेक्शन। ठीक है, ये इसका क्या था, मोटो था और ये आ सकता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है ये टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक है मैं बात कर लेता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपन क्या पढ़ेंगे, थोड़ा मलेरिया के ऊपर थोड़ा जोर ज्यादा दिया जाता है इस मतलब एग्जाम में, जोर वो दिया जा रहा है अभी 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 जो नए नए एग्जाम हो रहे हैं उनके ऊपर, मलेरिया के ऊपर मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको हटाऊंगा, तो जल्दी से जल्दी अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो भी आप ले सकते हैं, लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ,
नेक्स्ट आता है आपके पास में मलेरिया, और मलेरिया के ऊपर से बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ पर पूछे जाते हैं। पहला है मलेरिया प्रोग्राम कब आया था, ठीक है, और मलेरिया प्रोग्राम के ऊपर से पूछे जाते हैं, और मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये सारे के सारे प्रोग्राम में एक ही स्लाइड पर एक ही यहाँ पे ये जगह पर मैं लिखूंगा अगर, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, पढ़ना भी इजी हो जाएगा और उसको समझना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो वो इजी करने के लिए ही मैं आया हूँ और इजी करना मेरा यहाँ पे है। तो अब ये क्या है, मलेरिया वीक कब मनाया जाता है, पहला मलेरिया का मैं टॉपिक लिख देता हूँ मलेरिया, ठीक है, मलेरिया वीक कब मनाया जाता है आपको पूछा जा सकता है, किस महीने में आता है मलेरिया वीक। तो मलेरिया वीक आता है, मलेरिया से याद रखना एम, एम से याद रखना है मई, और मंथ कब आता है मलेरिया, मंथ कब मनाया जाता है, तो मलेरिया के लिए जो मंथ आता है वो मनाया जाता है आपके जून में, कब मनाया जाता है जून में, ठीक है। अब आता है प्रोग्राम, अब आते हैं अपन प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को से पहले एक चीज अपन इसके साथ ही जुड़ी हुई है, तो वो भी अपन यहीं पे खत्म कर लेते हैं। तो मलेरिया से जुड़ी हुई है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्यों ध्यान रखनी है कि ये इसी से जुड़ी हुई है थोड़ी सी, तो मैं इसने इसको इसके साथ में बताया, ठीक है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, नेशनल, अब मलेरिया शुरू हो गया अपने, ठीक है, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, यहाँ पर ध्यान रखना वर्ड के ऊपर, जो वर्ड आया है उसी के हिसाब से आंसर जाएगा, कंट्रोल प्रोग्राम यह आया था 1953 में, 1953 में। और नेशनल दूसरा प्रोग्राम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन, इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आया था 1958 में, कब आया था 1958 में। ये सारे के सारे प्रोग्राम आपको पूछे जाएंगे कि एक एक पले रहे, एक एक मतलब प्रोग्राम, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यहाँ पे सटीक जानकारी है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे हम नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, और फिर है इरेडिकेशन, और फिर है अब आता है अर्बन प्रोग्राम, अर्बन स्कीम, तो मलेरिया अर्बन स्कीम, ठीक है, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अर्बन मलेरिया स्कीम, अर्बन मलेरिया स्कीम आई थी 1971 में आई थी, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और ये किस लिए आई थी, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में मलेरिया को भगाने के लिए, ठीक है, मलेरिया के बहुत ज्यादा केस हो गए थे शहरी क्षेत्र में, ठीक है, तो उनको भगाने के लिए, उनको बाहर की तरफ आउट करने के लिए यहाँ पे ये स्कीम आई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर आता है एक मलेरिया प्रोग्राम और आया था, ठीक है, मॉडिफाइड मलेरिया प्रोग्राम, क्या होता है मॉडिफाइड मलेरिया प्रोग्राम, ठीक है, मॉडिफाइड इसी को क्या किया, मॉडिफाइड किया, अब ये मॉडिफाइड किसको किया, ठीक है, मॉडिफाइड किसको किया, तो इस कंट्रोल वाले को भी मॉडिफाइड किया, क्योंकि इरेडिकेशन तो हो गया था, देखो इरेडिकेशन हुआ नहीं था, प्रोग्राम आया था, ठीक है, ऐसा नहीं मलेरिया अभी भी चल रहा है, ठीक है, इरेडिकेट नहीं हुआ, इरेडिकेशन प्रोग्राम आया था, फिर इसको कंट्रोल वाले को ही इन्होंने मॉडिफाइड कर दिया, और मॉडिफाइड करके इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड मलेरिया मलेरिया प्रोग्राम, ठीक है, ये कब आया था, ये भी आपको पूछा जाएगा 1977, ठीक है, याद रखना 1977 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है और आ सकती है। और अब अपन बात करेंगे इसके जस्ट आगे टीबी के ऊपर से, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है, ठीक है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि नित नवी आपदरा खरीदार बढ़िया बेटा हाँ, कदे कदे लाके दलती पर बाल बढ़िया बेटा हाँ, ए नौकरी तेरे चक्कर में कितों कुछ छुट्टियों बैरन, गांव छोड़न शहर में किराएदार बढ़िया बेटा हाँ, गांव छोड़न शहर में किराएदार बढ़िया बेटा हाँ। तो ये चीज ध्यान रखनी है अपन को, ऑफिस कहाँ जाना है, गांव जाना है, ठीक है, सीएचओ बनना है, सीएचओ की पोस्टिंग कहाँ मिलती है, गांव मिलती है, सब सेंटर पर मिलती है,
और आपके भी आसपास आपका कोई सब सेंटर होगा, ऐसा भी है बहुत सारा होगा, तो आपका गांव ही सब सेंटर बन गया, ठीक है, गांव में सब सेंटर है, ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत ही है उनका गांव में, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखनी है, अपन को गांव वापस जाना है, और वापस जाने के लिए अपन को अपना सपना पूरा करना पड़ेगा, और उसके लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लगातार डे बाई डे अपन ने 210 क्लासे फिनिश करी है, कितनी फिनिश करी, 210 क्लासे, ये 211 नंबर की क्लास इस तरीके से मैं लेके आया हूँ आप सभी के सामने, पहली बार लेके आया हूँ, और पहली बार थोड़ी यहाँ पे होती है, तो वो चीज नहीं होने की वजह से अपन उसको दबाने की वजह से यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम, मतलब एक ही स्लाइड, एक ही काम के ऊपर, ठीक है, एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही स्लाइड के ऊपर से, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये चीज। नेक्स्ट आता है टीवी कंट्रोल प्रोग्राम। अब टीवी का बारे था, टीवी के बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ा, तो इंपॉर्टेंट है टीवी, तो टीवी के बारे में मैं अगर बात करूं, टीवी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो पहला आया था इसी का एक प्रोग्राम आया था एनटीसीपी, ठीक है, सबसे पहला आया था एनटीसीपी। एनटीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है, और आपको एक ही आंसर लिखना है 1962, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार फंसाता है एग्जामिनर कि आरएनटीसीपी कब आया था, ठीक है, तो आज आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आरएनटीसीपी कब आया था, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, आरएनटीसीपी के ऊपर से पूछा जाता है, ये यही जो प्रोग्राम था आरएनटीसीपी, मतलब ये जो एनटीसीपी था यही हुआ था रिवाइज्ड, ठीक है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आया था 1992, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, अब आज से याद रखना 1992 में ही आया था, और 1993 बताएंगे बहुत सारे, 1992 बताएंगे, कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा, ठीक है, कोई किसी के ऊपर डाल देगा, कोई किसी के में मिक्स कर देगा, ठीक है, तो मिक्स अपन को नहीं करना, अपन को जैसा है वैसा ही पढ़ना है, 1992 ही पढ़ना है। अब ये मैं आपको फंडा क्लियर कर रहा हूँ कि 1993 में क्या हुआ था, तो 1993 में एक काम हुआ था, वो जबरदस्त काम हुआ था, ठीक है। अब जबरदस्त काम क्या हुआ था, डॉट्स, ओनली फॉर डॉट्स, याद रख लो डॉट्स, ठीक है, ये डॉट्स मैंने लिख दिया, ये डॉट्स इस प्रकार से लिखते हैं, और मैंने इसी प्रकार से लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट शॉर्ट कोर्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी, ठीक है, ये आया था, और ये कब आया था डॉट्स, 1993 में, कब आया था 1993 में। अब देखो डॉट्स अलग आया, ठीक है, अलग से इनको प्रोग्राम में लॉन्च कर दिया, ठीक है, और आरएनटीसी भी अलग से है, अब ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं, इनको क्या क्या मिक्स कर दिया, इनको बोला कि डॉट्स तू भी हमारे साथ में मिल जाए, अपन दोनों टीबी का खात्मा करने के लिए काफी है, ठीक है, तो दो मिले, दो भाई मिले, और दोनों ने क्या कर दिया, टीबी का खात्मा करने की कोशिश जारी कर दी, ठीक है, अभी तक टीबी इलिमिनेट नहीं हुई, ठीक है, तो टीबी को इलिमिनेट करने के लिए फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर डॉट्स, डॉट्स को क्या कर दिया, इन्होंने शामिल कर दिया, डॉट्स प्लस, अब देखो यहाँ पे आर एन टी सी पी, ठीक है, ये आज डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ये आया था 1997, कब आया था 1997, ये पूछा जाता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 1997 के ऊपर से, ठीक है। अब ये प्रोग्राम और आया था इसी टीवी के ऊपर से, और ये प्रोग्राम नहीं था, ये मतलब एक उद्देश्य था, अपना लक्ष्य था, गोल था, ठीक है, तो टीवी को एलिमिनेट करना, टीवी एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट कब तक करना है अपन को, टीवी को एक लक्ष्य रखा था, गोल रखा था, और वो गोल कब तक है, 2025 तक, ठीक है, जो आने वाला है अगला साल, ठीक है, और टीवी को इराडिकेट करने का लक्ष्य भी रखा है इन्होंने, टीवी को इराडिकेट
इराडिकेट करने का लक्ष्य भी रखा है इन्होंने, और वो रखा है 2000, पहले 25 था, अब यहाँ पे 2035 कर दिया है। तो बहुत सारे रसगुल्ले क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी 35 करके आते हैं, कभी 25 करके आते हैं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान लगा लेना, तो आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। एक है एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब हटाना, और एक है यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे बिल्कुल संपूर्ण नष्ट करना। आ रहा है इराडिकेशन, इराडिकेशन में ना तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बचेगा ना यहाँ पे बीमारी बचेगी। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम में, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इनको। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो पूरी स्लाइड खाएगा। ठीक है, स्लाइड खाएगा मतलब पूरी स्लाइड उसके चाहिएगी चाहिएगी। ठीक है, तो पूरी स्लाइड खाएगा वो, तो खाएगा तो अपन को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एड्स प्रोग्राम कौन सा है, एड्स। तो अगला प्रोग्राम अपन पढ़ेंगे एड्स, एड्स के ऊपर से यहाँ पे पढ़ना है अपन को, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रोग्राम है अगला भी आने वाला। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है। एड्स कब आया था, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जामों को पूछा गया, एमसीक्यू है, एड्स डे कब मनाया जाता है। ठीक है, और फिर आपको थोड़ा एआरटी के बारे में पूछा जाता है कि एआरटी थेरेपी होती क्या है, किसको दी जाती है, कब दी जाती है, कैसे दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती है, और पूछी जाती है तो उनको क्या करना है, याद ही करना है और क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम की कमी है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। तो एड्स अपन प्रोग्राम पढ़ेंगे एड्स। ठीक है, एड्स के आगे ही मैं लिख देता हूँ एचआईवी वायरस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एड्स डे कब मनाया जाता है, डे, ठीक है, 1 दिसंबर। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है अपन को, ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, एग्जाम का टाइम मेरे को पता है, कंफ्यूज करने का काम ही नहीं है। ठीक है, नार्को सर, एनएसीपी, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, बस इतनी सी बात याद रखनी है, एनएसीपी, एन ए सी और पी, बस इतना सा याद रखना है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये कब आया था, ये आया था आपके 1987 में, कब आया था, 1987 में। ठीक है, और एक प्रोग्राम और आया था इसी के साथ में, पूछा जाता है नाको। अब नाको की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आया था, ये आया था आपके RNTCP के साथ में, कब आया था, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के साथ में आया था। और ये कब आया था, 1992। अब इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी के सारी डेट है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक डेट मैं आपको बताते जाऊंगा, आपको क्या करना है, एक नोटबुक में लिखते जाना है। ठीक है, लिखते जाना, सारी चीजें लिखनी है आपको। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिख लोगे एक बार तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1992 में नाको की फर्स्ट फेज लिख देना, यहाँ पे क्या लिख देना, फर्स्ट फेज, बस इतना सा कर दो, काफी है। सेकेंड फेज इसी की कब आई थी, 1999 में आई थी। अब देखो क्या करना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे आप, तो 7 7 साल जोड़ना है। ठीक है, तो 7 साल इसके अंदर जोड़ो, 1999। ठीक है, सेकंड पेज आई थी। अब मैंने कहा ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो जुड़ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में साल कौन सा आता है, 2000 आता है, 2000 का 7 साल जोड़ो तो 2007 आ जाएगा। ठीक है, ये 2007, 2007 में क्या हुआ था, थर्ड पेज आई थी इसी की। और फोर्थ फेज कब आई थी, 2014 में आई थी, फोर्थ फेज। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो 7 साल का गैप है, यहाँ पे 8 साल का गैप है, तो एक राउंड फिगर में बता रहा हूँ, तो राउंड फिगर में आपको 7 ही गिनना है, और 7 से ही आपको आंकड़ा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट गेस कब आया था एड्स का, फर्स्ट गेस एड्स का यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर बात करूंगा तो वर्ल्ड में आया था, यहाँ पे यूएसए में, वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो वो आया था यूएसए में। कहाँ पे आया था, वर्ल्ड में, वर्ल्ड में, वर्ल्ड का मतलब पूरा ग्लोबल होता है। ठीक है, वर्ल्ड में आया था यूएसए में। एचआईवी का फर्स्ट केस आया था वो एचआईवी में आया था 1981 में, 1981 में एचआईवी का आया था। ठीक है,
एड्स का नहीं आता, HIV यानी HIV की फुल फॉर्म तो सभी को पता ही है, ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं, आप सब और ज्यादा समझदार है, ठीक है, तो उनको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। इंडिया में कब आया था फर्स्ट ईयर, मद्रास में आया था, इंडिया के बाथरूम में, इंडिया में आया था मद्रास, मद्रास आप बोलते हो चेन्नई को, ठीक है, 1986 में आया था, और 1987 में आया था पुष्कर में, पुष्कर अजमेर यानी राजस्थान में आया था, ठीक है, पुष्कर अजमेर यानी राजस्थान में, हिंदी में लिख देता हूँ मैं ताकि आपको पता चल जाएगा, ये 1987 में आया था, ठीक है। अब क्या हुआ, 1987 में आ तो गया प्रोग्राम, 1987 में आते ही राजस्थान में जैसे तहलका मचा, जैसे ही कोविड राजस्थान में आया तो राजस्थान वालों ने क्या किया था, पूरा यहाँ पे क्या कर दिया, वो बोलते हैं वो लगा दिया, ठीक है, कर्फ्यू लगा दिया, ठीक है, कर्फ्यू लगा दिया और क्वारंटाइन कर दिया, सबको क्वारंटाइन करो क्वारंटाइन करो, ऐसे प्रकार से राजस्थान में जैसे ही आया इन्होंने कंट्रोल प्रोग्राम दे दिया, उन्हें कंट्रोल प्रोग्राम देखा वो मानगरी अपन ने, और मानगरी और कंट्रोल प्रोग्राम आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से राजस्थान में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। फिर आई थी एक ARD थेरेपी का, यहाँ पे ध्यान रख लेना, एक डेट इंपॉर्टेंट है, बस एक ही डेट पढ़नी है आपको, ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, क्या होती है, एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी 2004, बस इतनी सी यहाँ पे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी, 2004 में आई थी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, और पीडियाट्रिक की एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कब आई थी, पीडिया की बाथरूम में मतलब बच्चों के लिए, ठीक है, 2006 में आई थी, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और एडल्ट के लिए इसका टेस्ट किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में, एडल्ट के लिए जो टेस्ट किया जाता है कंफर्मेटिव टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट। अब कई एग्जाम में क्या दिया था कि नॉर्थन ब्लॉट, ईस्टर्न ब्लॉट, साउथर्न ब्लॉट और वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है, चारों दिशाओं के नाम लिखे, फिर पूछा गया कौन सा टेस्ट इसके लिए है, ठीक है, तो वेस्टर्न ब्लॉट एडल्ट के लिए है, और चाइल्ड के लिए पूछा आपको, चाइल्ड के लिए नहीं, बच्चे के लिए पूछा आपको, ठीक है, तो P24 एंटीजन, ठीक है, P24 एंटीजन का टेस्ट जो है वो यहाँ पे बच्चों के लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आया था आपका इंटीग्रेटेड काउंसलिंग ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, ICTC की बात करूँ तो आया था 3 अगस्त 2016 को आया था, कब आया था, ICTC की फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपको, ICTC, ठीक है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड काउंसलिंग ट्रेनिंग काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये कब आया था, 3 अगस्त 2016 में आया था, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज ऑफ यूज है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, यूनिसेफ कब आया था, ये सारी चीजें अपन बताते चलेंगे, और थोड़ा स्पीड से ही चलना पड़ेगा, ठीक है, यूनिसेफ कब आया था, 1946 में आया था, ठीक है, WHO कब आया था, 1948 में आया था, इसके बीच में ICMR आया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, थोड़े कम समय है, समय सीमा यहाँ पे समाप्त हो अपनी ना हो, उससे पहले अपन को क्या करना है, सारी की सारी चीजें एक ब्रेक चीजें पढ़नी है, और बहुत ही कम समय में आपको पढ़नी है, तो लेप्रोसी और फाइलेरिया पहले अपन पढ़ लेते हैं शुरुआत से, ठीक है, तो शुरुआत अपन ने की थी यूनिसेफ से, ये यूनिसेफ ने लिख दिया, और यूनिसेफ के अंदर क्या चीज आती है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक है, जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना, और यूनिसेफ आया है 1946 में, 1947 में आया था ICN, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, WHO जो आया था वो WHO आया था 1950 में, ठीक है, 7 अप्रैल, इसकी डेट जरूर याद रख लेना, डेट बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है, तो वापस पूछा जा सकता है, और वापस पूछे अपन उस चीज को याद ना करें ऐसा भी हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, और नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, ठीक है, और फिर फाइलेरिया, नेशनल लेप्रोसी एंड फाइलेरिया दोनों क्या हुआ था, साथ में आया था, फाइलेरिया
नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल और फाइलेरिया कंट्रोल आया था 1955 में, ठीक है, इतना सा याद रखना आपको, बाकी और कुछ भी ज्यादा कंफ्यूज करने की बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आया था एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, जरूर आपको पूछता है, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। तो इसके अंदर डिजीज कौन कौन सी आती है, तो पहले डिजीज का नाम लिखा मलेरिया, मलेरिया, डेंगू, जापानी एंसेफलाइटिस, काला आजार, और ये बहुत ज्यादा बहुत सारे क्या करते हैं कि प्लेग को भी शामिल करते हैं, प्लेग शामिल करना है आपको, पर यहाँ पर रेड फ्लिया को ही शामिल करना है, रेड फ्लिया वो भी प्लेग, ठीक है, ये वेक्टर है, बाकी सारी क्या है, बाकी प्लेग वेक्टर वेक्टर में नहीं आती है, ठीक है। बाकी अगर मान लो आपके ऑप्शन डालता है, ठीक है, तो आपको लिखना ही है क्या है, ठीक है। एक डिजीज और चिकनगुनिया, ठीक है, कौन सी है, चिकनगुनिया, चिकन गुनिया, ठीक है। अब ये NVBCDCP, ठीक है, मतलब नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, 2003 एंड 2004, ठीक है, बहुत सारा आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेंगे 2002 और 2003 दिखाएंगे, ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है और वो आपको लिख लेना है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। और फिर आता है अपन NRHM के ऊपर से, तो NRHM कब आया था, NRHM के ऊपर से बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें हैं और वो अपन एक ही स्लाइड के अंदर पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा टाइम है नहीं और ज्यादा टाइम अपन को बर्बाद करना भी नहीं है, अपना इंपोर्टेंट टाइम है और इंपोर्टेंट टाइम के हिसाब से ही पढ़ना है अपन को, ज्यादा इनमें घुसना नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो MCQ बार बार पूछे जाते हैं वही एग्जाम में आपको भी पूछे जाएंगे और वही आपको याद भी करना है, ठीक है। तो NRHM कब आया था, NRHM, ठीक है, बहुत सारे 12 अप्रैल बताएंगे, बहुत सारे 5 अप्रैल बताएंगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जो ऑथेंटिक बुक में है वही चीजें याद रखनी है, अगर ऑप्शन में नहीं आता तो फिर 12 अप्रैल दिखा देना, ठीक है, 5 अप्रैल जो है, 5 अप्रैल बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, 5 अप्रैल बिल्कुल करेक्ट है, 2005 ऑथेंटिक बुक में यही है, उसके बाद में फिर आप 12 अप्रैल बहुत सारे टिकाते हैं, ठीक है, 12 अप्रैल, और ये अगर हम लोग ऑप्शन में आ जाता है आपके तो 12 अप्रैल आप टिका देना, मैंने लिख दिया 12 अप्रैल वो भी टिका देना। फिर इसी के अंडर में देखो NRHM के अंडर में दो चीजें आई थी, एक आया था NHM, एक आया था NUHM, तो NHM इसी का पार्ट बन गया, और NHM के अंदर दो चीजें आने लगी, NRHM को शामिल कर दिया इसमें और NUHM साथ में आ गया, ठीक है, अर्बन हेल्थ मिशन भी आ गया, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, और ये दोनों जो प्रोग्राम थे वो दोनों प्रोग्राम कब आए थे, 2013 में आए थे, कब आए थे, 2013 में आए थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। फिर आया था एक JSY प्रोग्राम, ठीक है, JSY में क्या किया जाता है, JSY आया था 2005 में, और ये कब आया था, ये आया था 12 अप्रैल में, तो बहुत सारे जिन्हें क्या करते हैं 12 अप्रैल को इसमें यहाँ पे इंक्लूड करके पढ़ाते हैं। और ये किसके अंडर में आया था, ये आया था RCH के अंडर में, RCH कब आया था, 1997 फर्स्ट फेज आई थी, ठीक है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज कब आई थी RCH की सेकंड फेज आई थी 2005 को, जब ये सेकंड फेज आई थी उसी फेज के अंदर आपको क्या कर दिया, JSY को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। और ये JSY की प्रोग्राम क्या है, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, यानी जननी के लिए, माता के लिए ये प्रोग्राम आया था और उसी के लिए अपन को याद रखना है, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। और JSY जो है, JSY का पुराना नाम क्या है, पुराना मतलब इसको रिप्लेस करके JSY बनाया, तो नेशनल नेशनल मैटरनिटी मैटरनिटी बेनिफिशरी, ठीक है, बेनिफिशियरी आगे, यानी का मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिशियल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बेनिफिशियरी प्रोग्राम को ही रिप्लेस करके इन्होंने क्या किया, इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, इसी के साथ में आता है JSSK, ठीक है, और एक आता है JSSY, JSSY और JSSK में क्या अंतर है, तो ये आया था 1 जून 2011 में, और ये आया था September 2011 में, और ये आया था राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इन्होंने क्या किया, नाम थोड़ा चेंज करके ही इसको लॉन्च किया JSSY को, ठीक है, JSSY क्या है और JSSK क्या है, ठीक है, ये आया था पूरे भारत में, ये पूरा भारत में, और ये आया था अपने सिर्फ राजस्थान के अंदर। फिर आता है ICDS, ICDS के ऊपर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ICDS के बेनिफिशरीज कौन कौन से है, ICDS
ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, और ये क्या है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो आईसीडीएस की फुल फॉर्म, आईसीडीएस की फुल फॉर्म आपको बताई थी 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, एक तो 0 से 6 साल के बच्चे इसके अंदर बेनिफिशरीज है, एक ठीक है, और नर्सिंग मदर है, नर्सिंग मदर है, प्रेग्नेंट महिला है, ठीक है, और लैक्टेशन, लैक्टेशनल जो वुमन है वो यहाँ पे क्या है, बेनिफिशरीज है इसकी, बस ओनली फॉर यही यही चीजें हैं। नेक्स्ट आपके प्रोग्राम पूछा जाएगा मिड डे मील, मिड डे मील, ठीक है, प्रोग्राम अगर आपको पूछे, ठीक है, प्रोग्राम आया था सबसे पहले 1961, ठीक है, 1961 में आया था, ठीक है, 1961 में आया था, और मिड डे मील और स्कीम पूछे आपको, तो स्कीम अभी आई थी जस्ट, मतलब अभी का मतलब उसके बाद में आई थी, ठीक है, तो स्कीम की अगर आपको पूछे कभी, तो स्कीम में आपको लिखना है 1995, इसी के अंदर आया था पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है सारी डेट, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। मिशन इंद्रधनुष लिख देना, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष, और यह आया था 2014 में, पोलियो इराडिकेट कब हुआ, पोलियो इराडिकेट कब हुआ, 2014 में, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष में 7 किलर डिजीज के ऊपर बात की जाती है, मेरा डीपीटी पीटीएच, मेरा डीपीटी यानी मेरा, यानी याद रखना मेजर्स, डीपीटी यानी डीपीटी वैक्सीन, पीटीएच यानी पोलियो, ठीक है, टिटनस सॉरी पोलियो टीबी, ठीक है, और डीपीटी पीटीएच एच यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, ये सारी चीजें लिखनी है और अभी के अभी लिखनी है, ठीक है, और नेक्स्ट प्रोग्राम इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है, आरबीएसके, ठीक है, आरबीएसके 4D साइन आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, 4D साइन, डिफेक्ट एट बर्थ, डेवलपमेंटल डिले, डिफिशियंसी और डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरबीएसके कब आया था, आरबीएसके की आपका क्या 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 पूछा जा सकता है आपको, 2013 में आया था, 2013 में फेब में आया था, ठीक है, इसके साथ में ही एक प्रोग्राम और पूछते हैं आपको, आर के एस के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, इसमें क्या होता है, 10 महीने बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आर के एस के तो आया था 2014 में, ये आया था 2014 में, ठीक है, ये चीज 2013 और 14, पहले बच्चों का फिर बड़ों का, ठीक है, एक यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगा लेना, JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसके अंदर आपको क्या याद रखना, फ्री है, क्या फ्री है, ड्रग, ब्लड डायग्नोसिस और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, आप नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो 3 दिन तक ये सारी चीजें फ्री है हॉस्पिटल में, और अगर मान लो भेजा यहाँ पे सीजेरियन सेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको 7 डे तक का यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, सारी सारी आ सकती है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आ रहा है अपना, WIFS, ठीक है, WIFS की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होता है WIFS, ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको पढ़नी ही है और आपको ये करना है, याद करना है, तो WIFS क्या होता है, WIFS यहाँ पे लिख देना है WIFS, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम कब आया था, 2012 में आया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकली सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, कौन सा है, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ये कब आया था, 2012 में आया था, पूछा जा सकता है आपको, और इसके अंदर जो है आपको 56% तो है गर्ल्स, 56% तो है इसके अंदर गर्ल्स, 56% तो है इसके ट्रीटमेंट जो जोर दिया जाता है वो गर्ल्स के ऊपर, ठीक है, और बॉयज के ऊपर आपको दिया जाता है 30%, बस ऑनली फॉर 30% आपको बॉयज के ऊपर यहाँ पर जोर दिया जाता है, ठीक है, और इसके अंदर आपको आयरन फोलिक एसिड कितनी दी जाती है, तो आयरन तो दी जाती है आयरन, ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है,
आयरन दी जाती है 100 से लेकर। अब यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा कि आपको कभी लिखी देगा, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन भी अलग अलग से बनाएगा, ठीक है, 150 से लेके 100, 100 से लेके 150, तो 100 से वो ही देनी है आपको, कम नहीं देनी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो आयरन देनी है 100 से 200 mg, और फोलिक एसिड देनी है आपको वही 500 माइक्रोग्राम, सॉरी फोलिक एसिड देनी है 500 ये माइक्रोग्राम, ठीक है, जिसको अपन 0.5 mg भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पे एक प्रोग्राम और आया था, और इसी के साथ में आया था, तो वो अपन साथ में के साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक यहाँ पर WIFS का यहाँ पर क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। WIFS का क्राइटेरिया है एक तो चिल्ड्रन, ठीक है, एक है यहाँ पे एडल्ट, ठीक है, एडल्ट, और एडल्ट में भी पहले एडोलसेंट पढ़ लेते हैं फिर एडल्ट, ठीक है, एडल्ट में मतलब एडोलसेंट, एडोलसेंट एडोलसेंट में भी क्या आता है, गर्ल आता है, ठीक है, एडोलसेंट, और फिर आता है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन, लैक्टेशन। अब इसके अंदर होता क्या है, कलर कोडिंग के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। अब कलर कोडिंग में क्वेश्चन पिंक कलर की, आयरन फॉलिक एसिड किसको देंगे बच्चों को, पिंक कलर की, इसके अंदर ब्लू कलर की, एडोलेसेंट में कौन से कलर की देंगे, ब्लू कलर की, और अपन इसको प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन को कितने देंगे, कौन से देंगे, रेड कलर की, ठीक है, 180 टेबलेट, ठीक है, ये दी जाती है इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर, जो आपको पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट इसी के अंदर प्रोग्राम है एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत, और ये आया था 2018 में, अभी आया था एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत है, लिख देना आप 2018, इंपॉर्टेंट डेट है, और पूछी जाती है आपको, बहुत बार पूछी गई है डेट। तो इसी के साथ में आपके सारे सारे प्रोग्राम फिनिश हुए, और एक प्रोग्राम और जरूर याद कर लेना, ICMR, सॉरी IMNCI, IMNCI, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड, यहाँ पे इलनेस होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है IMNCI में। जरूर एक चीज और याद कर लेना इसी के साथ में, कि पिंक कलर, इसी के अंदर कोड यहाँ पर पूछा जाता है, पिंक कलर किसके लिए यूज जाता है, येलो, और फिर पूछा जाता है आपको ग्रीन, ग्रीन का मतलब तो बच्चा की होम केयर की जा सकती है, ठीक है, येलो का मतलब ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है, ठीक है, और पिंक का मतलब होता है रेफरल, ठीक है, अपन को क्या करना है, रेफर करना है, और यह केयर दी जाती है दो के यहाँ पे क्राइटेरिया को, 0 से लेके 2 मंथ को अलग केयर होती है, और फिर आता है 2 मंथ से लेकर 5 ईयर इसकी केयर अलग अच्छा आती है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और एक न्यूट्रिशन का प्रोग्राम जरूर याद कर लेना, क्योंकि वो बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम NNAPP, ठीक है, ये कब आया था, 1970 में आया था, ठीक है। तो इसी के साथ में यहाँ पे जो क्लास होती है वो आपकी फिनिश होती है, छोटी सी क्लास थी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ली मैंने, और छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो किसी ने क्या खूब कहा है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता है, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता है, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं बना, विकल्प नहीं होता है, हम तो बने हैं सिर्फ जीतने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो रसगुल्ला एक ही कोशिश करनी है आप सभी को, ऐसे CHO को इसकी औकात दिखानी है, और अपन को अपना सक्सेस होना है। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।